जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद बीएसएफ जवान सुशील कुमार का आज अंतिम संस्कार अरवार रात हुए थे शहीद। शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव, परिवार में शोक की लहर। कुरुक्षेत्र के पिहावो गांव के रहने वाले थे सुशील कुमार, आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान हुए थे जख्मी। शहीद सुशील कुमार 24 साल से कर रहे थे देश की सेवा, हमले की रात भी मां और पत्नी से की थी बात। बीती रात रजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 21 किलो आईईडी, AK-46 और 5 किलो विस्फोटक बरामद। आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 24 नक्सलियों को मार गिराया। मलकानगिरी के जंगल में आंध्र और ओडिशा पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन, मरने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल। सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की बड़ी बैठक होने की मिली थी गुप्त जानकारी, एनकाउंटर की जगह से 4 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुठभेड़ में नक्सल कमांडर चलपति उर्फ अपराव, उसकी बीवी अरुणा, गजराला रवि उर्फ शामिल। चलपति और गजराला रवि पर 20-20 लाख का था इनाम। करीब घंटे भर चले एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश की स्पेशल ग्राउंड टीम के सीनियर कमांडो अबू बकर शहीद, एक अन्य कमांडो हुआ घायल। मुलायम की सीधे दखल के बावजूद चाचा भतीजा में नहीं सुलझा झगड़ा, मुलायम ने कहा मतभेद दूर करें या पार्टी में टूट के लिए रहें तैयार। देर शाम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर पहुंचे शिवपाल पर सीएम ने नहीं की मुलाकात, एक घंटे तक इंतजार कर बैरंग लौटे चाचा शिवपाल। अखिलेश निशाने पर चल रहे अमर सिंह ने उन्हें बताया शानदार मुख्यमंत्री, कहा अभी उन्हें जन नेता बनने में लगेगा वक्त। लखनऊ में मंच पर ही अखिलेश और शिवपाल में हाथापाई की नौबत, शिवपाल ने छीना सीएम से माइक, अखिलेश को बताया झूठा। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल और अखिलेश को गले मिलने को कहा, सूत्रों के मुताबिक दोनों ने गले मिलने से किया परहेज। मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश को बुलाया घर, तीनों के बीच आधे घंटे तक चली बैठक, मुलायम ने बोला पार्टी टूटी तो कार्यकर्ता नहीं करेंगे माफ। मुलायम ने भरी मन से अखिलेश लगाई फटकार, लेकिन सीएम पद रखा अखिलेश के लिए बरकरार, पार्टी का चेहरा बने रहेंगे अखिलेश। मुलायम ने अमर सिंह को बताया भाई जैसा, कहा मुझे जेल जाने से भी बचाया, अमर सिंह के सारे गुनाह माफ, इनके सामने तुम्हारी क्या हैसियत। एसपी से निष्कासित रामगोपाल यादव ने कहा मुलायम से नहीं करूंगा मुलाकात, अखिलेश को फिर सीएम बनाना लक्ष्य। रामगोपाल यादव का शिवपाल और अमर सिंह को चुनौती, कहा जनता के बीच जाएंगे तो मेरा अस्तित्व का होगा आभास। हाजीपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रताप सिंह का बयान, लालू नीतीश को एसपी में मचे घमासान को सुलझाने के लिए आना चाहिए आगे। पप्पू यादव ने लालू को मुलायम और तेजस्वी को अखिलेश से सीख लेने की दी सलाह, कहा अखिलेश अपने उसूल से समझौता नहीं कर रहे तो वहीं मुलायम कार्यकर्ताओं के समर्थक। यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका, चौधरी साहिब सिंह ने बागपत में थामा आरएलडी का दामन। यूपी की सियासत में सक्रिय हो सकती है प्रियंका गांधी, यूपी पर पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में लिया हिस्सा। प्रियंका यूपी में सांगठनिक ढांचे को कर रही मजबूत, फिलहाल पार्टी के लिए उनके प्रचार को लेकर नहीं हुआ है कोई फैसला। गुड़गांव के एमजी मेट्रो स्टेशन पर सरेआम एक युवती की हत्या, जितेंद्र नाम के शख्स ने 32 साल की पिंकी को चाकुओं से गोदा। भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर लोग जब तक कुछ समझ पाते, जितेंद्र ने पिंकी पर किए ताबड़तोड़ कई बार, लोगों ने हमलावर को मौके पर पकड़ा, प्रेम प्रसंग का मामला। दिल्ली के प्रीत विहार में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गई गोली, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला में कार लूट की कोशिश नाकाम, कार चालक की बहादुरी से पकड़ा गया एक लुटेरा। दिल्ली के कटवरिया सराय इलाके में घर से मिली महिला की लाश, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, नजीब का पता लगाने वाले को 50,000 की जगह 1,00,000 का इनाम का ऐलान। पुलिस ने नजीब की तलाश के लिए बनाई 1 दर्जन से ज्यादा टीमें, 15 अक्टूबर की रात से लापता है नजीब। दिवाली से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकानों पर की छापेमारी, कई जगहों पर पकड़ी अनियमितता। मनीष सिसोदिया के साथ आबकारी विभाग की पूरी टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी, कई दुकानदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस पर संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, तलाशी के बाद बैग में कुछ भी नहीं मिला आपत्तिजनक। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स ने डॉक्टर के क्लीनिक में घुसकर की महिला की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हत्या के बाद मची मौके पर अफरा तफरी, यहां वहां भागने लगे पेशेंट, हत्यारा बेफिक्र होकर हाथ में चाकू लिए मौके से हुआ फरार। उदयपुर में कुमार सानू नाइट के दौरान हंगामा, आयोजकों से भिड़े युवक, पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने 2 बच्चों संग खुद को लगाई आग, मां और मासूम बच्चे की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। बिहार के मोतिहारी में कारोबारी का सरेआम अपहरण, अब तक नहीं लगा कारोबारी का कोई सुराग।
मुंबई के गजारी रेस्टोरेंट के मालिक को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकी। एक नकाबपोश शख्स ने रेस्टोरेंट मालिक को रवि पुजारी से विदेश बात करने को कहा। रेस्टोरेंट कर्मचारी की गंभीरता न दिखाने पर नकाबपोश ने किया फायर। फायरिंग के बाद अपने साथी के साथ बाइक पर हुआ फरार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चोरी के आरोप में दो बदमाशों की पिटाई, तमाशबीन बनी रही पुलिस। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में मंत्री अब्दुल रहमान भट्ट के घर आतंकी हमला, आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाजार में धमाका, पांच लोगों के घायल होने की खबर। सहारनपुर में अखिलेश समर्थकों ने अमर सिंह का फूका पुतला, अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने की मांग। सहारनपुर में थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में अचानक लगी आग, देखते ही देखते कई गाड़ियां जलकर खाक। कानपुर में बेरोजगार युवकों को झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 9 लाख कैश के साथ दल जालसाज गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंद्रापुरा में पुलिस पर तीन युवकों की बेरहमी से पिटाई का आरोप, पुलिस वालों की सफाई, शराब के नशे में कर रहे थे हंगामा। फरुखाबाद में दबंगों से परेशान होकर एक महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दिल दिला देने वाली वारदात, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के अंदर शादीशुदा महिला की चाकू से गोदकर हत्या। सुबह करीब 9:45 बजे मेट्रो पकड़ने जा रही महिला पर युवक ने चाकू से किए 10 बार, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुड़गांव में न्यू कॉलोनी मोड़ पर एक गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली के राणा प्रताप बाग में घरेलू झगड़े में दामाद ने सास को मारी गोली, हत्या के बाद से आरोपी फरार। राजधानी दिल्ली में मानवता हुई शर्मसार, शालीमार बाग इलाके में 5 साल की बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। हाजीपुर में राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों से ठगी, हंगामे के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। समस्तीपुर के सिंधिया गांव में दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबकर 3 बच्चियों की मौत। मिथिलांचल और सीमांचल को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग को लेकर सुपौल में जेडीयू ने निकाली पदयात्रा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी शामिल। आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, परिवार को इंसाफ की जगी आस। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने गया में एक शोरूम का किया उद्घाटन, पाक कलाकारों के भारत में काम करने पर जताया एतराज। पाली में एक महिला ने मनचले बस ड्राइवर को सिखाया सबक, सबके सामने की पिटाई। कोटा में 3 साल की मासूम की नहर में डूबकर मौत, मासूम को बचाने नहर में कूदे रिश्तेदार का नहीं चला कोई पता। अजमेर में रेलवे का विजिलेंस ऑफिसर बनकर लोगों से ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार, जीआरपी ने पकड़ा। जैसलमेर जीएम ने रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। बीकानेर में डेंगू मलेरिया का कहर, अस्पताल में लगा मरीजों का तांता, करीब 150 लोग बीमारी की चपेट में। ग्वालियर में परीक्षा में फेल होने पर जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्राओं का हंगामा, वीसी के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता में फिरौती के लिए 2 मासूमों को अगवा करने वाले गिरफ्तार, 1 लाख की मांगी थी फिरौती। झारखंड के लातेहार में लूट की योजना बनाते हुए 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, हथियार बरामद। दिल्ली के नजफगढ़ में बच्चों को स्कूल से छोड़कर लौट रही महिला पर फायरिंग, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। बिहार के जहानाबाद में घर में देसी शराब नहीं बनाने पर महिला से मारपीट, ससुर और देवर के खिलाफ मामला दर्ज। कोलकाता में एक निर्माणाधीन इमारत में आग से अफरा तफरी, दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आसनसोल में 14 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दुर्गापुर में पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, 1 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। दुर्गापुर में आर्मी भर्ती परीक्षा के दौरान 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार, सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले। मालदा में मां के साथ जा रही नाबालिग से चलती ट्रेन में छेड़छाड़, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मेरठ में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का आरोप, छेड़खानी का विरोध करने पर 2 युवकों ने दिया जहर। कानपुर में स्कूल से घर लौट रहे प्रिंसिपल की बदमाशों ने बीच सड़क की हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। ग्रेटर नोएडा के सलारपुर कलाम गांव में पंचायत के फैसले को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 2 की मौत, 3 घायल। कौशाम्बी में चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में कछुआ बरामद, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, मोतिहारी में दुकान से घर लौट रहे जौहरी को बदमाशों ने किया अगवा। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी एससी एसटी मोर्चा का प्रदर्शन, मंत्री ए के बलान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जाफना यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों की मौत को लेकर चेन्नई में श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन, डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। झारखंड के पलामू में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी के 81 वाहन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। जैसलमेर में नहर की पानी को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 2 लोग बुरी तरह से घायल। बीकानेर में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, धरना स्थल पर मुर्गा बनकर जताया विरोध। भरतपुर में खनन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध खनन में शामिल 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। भरतपुर में पत्नी से अवैध संबंधों के चलते भाई ने की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में पानी टंकी के पास युवती का शव मिलने से हड़कंप, हत्या से पहले रेप की आशंका। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में नवजात की मौत पर बवाल, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बताया दिखे फैंस। 5 मैचेस की सीरीज के बाकी 2 मैचों के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं, सुरेश रैना अब तक बुखार की वजह से फिट नहीं। कप्तान धोनी ने नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने के दिए संकेत, कहा इस पोजीशन पर मुझे शॉट खेलने की आजादी। बीसीसीआई ने डाला अपने ग्लोबल मीडिया का अधिकार, प्रसारण और डिजिटल के बंटवारे का फैसला आज की गई थी बांटने की घोषणा। जस्टिस लोढ़ा का समिति के इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए अब तक नहीं नियुक्त किया गया अपना स्वतंत्र लेखा परीक्षक, अगली तारीख का ऐलान नहीं। आज तक से खास बातचीत में अजय देवगन और काजोल ने साधा करण जौहर और आदित्य चोपड़ा पर निशाना, कहा दोनों से अकेले निपटने में सक्षम। अजय देवगन की फिल्म शिवाय का दूसरा ट्रेलर हुआ जारी, एक्शन सीन को ट्रेलर में दी गई प्राथमिकता। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान चट्टानों के पीछे कपड़े बदलती थी कंगना, शूटिंग के दौरान नहीं थी पूरी सुविधा। हैदर उड़ता पंजाब के लालचकों की प्रशंसा बटोर चुके शाहिद ने कहा उनका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी, फिल्म रंगून में आएंगे नजर। धोनी की सफलता से खुश सुशांत सिंह, राजपूत ने कंगना रनौत की तारीफ, कहा उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक।